तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे गाइस, और हम लोग भी आप लोगों के दुआ से ठीक ही है। क्या बोलूं गाइस, आज का ब्लॉग स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे। तो गाइस, मैं चाहती हूँ कम से कम आप लोग आज के दिन मेरा ब्लॉग फुल देखना गाइस, और थोड़ा मेरी बेटी के लिए आप लोगों का विश चाहिए, आशीर्वाद दो, ताकि मेरी बेटी अच्छा पढ़े लिखे, अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो गाइस, आज उसका हैप्पी बर्थडे है, तो आज लेकिन बर्थडे घर में वो नहीं मनाने वाली है। वो बोल रही कि मम्मी, हम अपने फ्रेंड के साथ कोई रेस्टोरेंट में बर्थडे मनाएंगे। अब उसका वही इच्छा है, तो हम क्या बोले, हम बोले कि अच्छा बेटा ठीक है, तुम लोग जैसा करो। तो गाइस, हम लोग घर में बनाएंगे उसके लिए कुछ भी, लेकिन वो केक काटेगी रेस्टोरेंट में। तो तभी मेरी बेटी गई है मार्केट गाइस, तो अभी आने दो, मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को मेरी बेटी से। और अभी हम बना रहे हैं अपने लिए नाश्ता, और क्या क्या खाना बनाते हैं, आप लोग वीडियो पे बने रहो, फुल वीडियो देखना गाइस, आज का ब्लॉग मिस मत करना। ओके गाइस, वीडियो पे बने रहो आप लोग। गाइस देख लो आज मैं क्या नाश्ता बना रही हूँ, मैं आज स्पेशल वाला नाश्ता बना रही हूँ गाइस। ये है आटा, और आटा में हल्का सा नमक डाल के हम इसका घोल बना लिए हैं गाइस। आप लोग मेरे कहने पर एक बार ऐसा वाला छिलका पका के खाओ, देखो कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये है गाइस रिफाइन ऑयल। तो देखिए, मैं बना रही हूँ अपने लिए आज स्पेशल वाला नाश्ता गाइस। मेरा कैमरा थोड़ा धुंधला दिख रहा है, हल्का सा आधा चम्मच जैसा तेल डालो, रिफाइन तेल, सरसों तेल, घी, जिससे भी आप बना सकते हैं गाइस। सॉरी, मेरा कैमरा ही थोड़ा धुंधला है। और ये घोल को इस पे ऐसे डालो, और मस्त छिलका पकाओ और खा लो। एक बन भी गया है गाइस। यस, तेल ज़्यादा हो गया, इसको थोड़े से हाथ से ही ऐसे ऐसे फैला देते हैं। ये छिलका बहुत टेस्टी लगता है। जब भी टाइम आपके पास कम है, जल्दी और नाश्ता चाहिए, तो फटाक से ऐसा बनाओ और खा लो। हम तो ज़्यादातर ऐसा बनाते हैं और खा लेते हैं। तो गाइस, आज दोपहर में क्या क्या बनेगा मैं आप लोगों को दिखला दे रही हूँ गाइस। अभी अभी चावल बन के रेडी हो गया है चावल, और हर दिन की तरह यहाँ पे बन रहा है दाल, मूंग मसूर राहड़ मिक्स दाल। और गाइस, आज हम बना रहे करेला का भुजिया, इसमें एक आलू ऐड कर देंगे, इससे और भुजिया का टेस्ट बढ़ जाएगा, और जो तीखापन है उसको निकालने के लिए गाइस हम एक और नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसा करो, जो अगर करेला बहुत ज़्यादा जो कड़वा रहता है उसको निकालने के लिए हमको इसमें आज गाइस देखो मैं क्या कर रही हूँ। तो गाइस, इस पर हम एक चम्मच नमक डाल दे रहे हैं थोड़ा सा, जिससे ये करेला में जितना भी कड़वापन है ये नमक के साथ पूरा इसका जो कासापन है वो निकल जाएगा। और उसके बाद इसको भूंजेंगे, तो थोड़ा सा तीखा जो करेला का जो कासापन जो बहुत लगता है, तो बहुत लोग खाते तो है नहीं, हम खा लेंगे, तो इसके लिए हम इस पर नमक डाले हैं और इसको पानी में रख दे रहे हैं। और इसको एक घंटा नहीं, 20 या 30 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ना होगा गाइस, तो जिससे इसके अंदर में जितना भी तीखापन करेला का जो है वो निकल जाएगा नमक के द्वारा। तो गाइस, इसको अभी 30 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद इसका भुजिया बनाएंगे। और इसमें हम बस एक आलू ऐड करने वाले हैं और एक प्याज, तीखा मिर्चा उर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, अभी 30 मिनट इसको छोड़ते हैं, इधर मेरा दाल अभी बन रहा है। तो गाइस, छत चलिए, और छत से थोड़ा मोड़ा नेनुआ जो बचा खुचा है उसको तोड़ के ले आते हैं। वो नेनुआ नहीं बनाएंगे आज, लेकिन फिर भी चलिए हम आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा मेरा नेनुआ जो था, इतना ज़्यादा हम लोग खाए और अभी ख़त्म भी होने वाला है। तो चलिए आप लोगों को छत दिखला देते हैं। और अभी गाइस, मेरा घर का काम तो रुका हुआ है पैसा के वजह से, देखते हैं कब बनने वाला है, कब बनेगा ये मेरा घर।
वेट कर रहे हैं गाइस, तो चलिए छत चलते हैं। छत पे वीडियो बनाते तो सब कोई छत से देखता है, तो इसलिए थोड़ा शर्म आता है वीडियो। मैं तो सोचते हैं कि छत में बनाएंगे, लेकिन सब कोई देखने लगते हैं ना। तो गाइस कैमरा बैक करते हैं। तो गाइस देख लीजिए नैनुआ कैसा हो गया है, पूरा सूख के ख़त्म भी होने वाला है गाइस, पूरा ज़्यादा सूख गया है। पूरा सूख गया है, देखिए ये जो नेनुआ का जो होता है ना, इसको हम लोग सन के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे बाथरूम में चोपा रगड़ने उगड़ने के लिए, लेकिन ये तो ख़राब हो गया है, इसका सन भी बनता है गाइस। और इधर देखिए थोड़ा नेनुआ लगा है, इसको तोड़ लेते हैं। देखिए थोड़ा मोड़ा लगा है, दो ही ठो लगा है, लेकिन छोटा छोटा है। देख लो इतना सारा निकल गया है सब्जी बनाने के लिए, हमको लगा नहीं होगा, लेकिन देखो इतना निकल गया। अब कल के लिए मेरा ये सब्जी हो गया। इतना ज़्यादा फल रहना, अभी तक भी फल रहा है, बाप रे। और एक एक बड़ा वाला है। तो देखिए गाइस इतना इतना ले आए, कितना अच्छा लगता है ये जब अपने ही बगान उगान में फलता है, तो अपना घर का सामान कितना टेस्टी भी लगता है खाने में और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये अभी बनाएंगे नहीं, ये कल बनाएंगे, आज तो क्योंकि करेला बना रहे ना हम और दाल बन रहा है, तो ये सब्जी कल बनेगा गाइस।